ये देखिए एक पेज काट दिया और ये दिल्ली वालों ने ये पतंग काटी है, बहुत अच्छा पेज काटा है। और वो जो क्लब आई हुई है वो कानपुर की क्लब थी। ये देखिए बच्चों, फिर पेच लड़ने को आ गया। ये नीचे वाली पतंग जो है ये दिल्ली की है और ऊपर से जो पतंग लड़ने आई है कानपुर की है। पतंग तो बहुत पीछे से लड़ रही है, कि कम से कम 800 मीटर पीछे से लड़ रही है, लेकिन मेरे को आगे आना पड़ा वीडियो बनाने के लिए। यहाँ से जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं बहुत आगे आया हुआ हूँ। ये जी दिल्ली ने फिर कानपुर को काट दिया, बहुत अच्छा पेज काटा। आप वो देखिए पतंग जा रही है इनकी, कानपुर वालों की, और ये दिल्ली ने ये दूसरा पेज भी काट दिया। बहुत अच्छा पेज काटा इन्होंने, बिल्कुल सही होते ही एकदम स्ट्रेट ऊपर की तरफ खींच करके इन्होंने थपकी मारी है, उससे जो है पेज कटी है। अच्छा बच्चों, अब मैं ये शायद एक पेज और आ गया है, मैं एक पेज और आपको अभी दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, हाँ एक पेज और लड़ेगा अभी। ये देखिए बच्चों, ये तीसरा पेज आ गया, दिल्ली फिर नीचे से लड़ा रहा है और कानपुर ऊपर से आया है। ये जी खींचना शुरू किया, फिर काट दिया दिल्ली ने कानपुर का, फिर एक और पेज काट दिया। बहुत अच्छा लड़ा रहा है जो दिल्ली का प्लेयर है, बहुत अच्छा लड़ा रहा है ये। आज की डेट में दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं पतंग लड़ाने वाले। बच्चों ये बहुत बड़ा ग्राउंड है दिल्ली का, जहाँ पे रेगुलर पतंगबाजी होती रहती है। अच्छा, अब मैं ये वीडियो बंद करूँगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे चैनल का नाम है माई आर्ट एंड क्राफ्ट सोमेन घोष। ठीक है, मेरे चैनल का नाम माई आर्ट एंड क्राफ्ट सोमेन घोष है, इसको लाइक करना ज़रूर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है आपने। इसमें रेगुलर आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे पतंगबाजी से रिलेटेड। ओके बच्चों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बच्चों।